जय माता दी। नवरात्र विशेष में मैं स्मिता सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ। नवरात्र विशेष में कैसे करें कलश की स्थापना, पहले दिन कलश की स्थापना का क्या शुभ मुहूर्त होगा, कैसे पूजन आपको कलश का करना है, तमाम बातें बताने के लिए एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी आपका बहुत धन्यवाद जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और माँ के पहले स्वरूप पर चर्चा करें, उससे पहले जानते हैं कि कैसे करनी है आपको कलश की स्थापना। पंडित जी कलश की स्थापना नवरात्रों में की जाती है, पहले दिन जो पहला दिन होता है नवरात्र का उस दिन कलश की स्थापना की जाती है, तो कलश की स्थापना की क्या विधि होगी वो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। जी स्मिता जी, सबसे पहले मैं अपने सभी ग्रीन टीवी के दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस नूतन संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए नई संजीवनी नई ऊर्जा लेके आए और आपका जीवन खुशियों से भर जाए। अब बात करते हैं सबसे पहले कलश स्थापन की। कलश स्थापना के साथ साथ माता दुर्गा की भी स्थापना की जाती है। तो यह जो नवरात्र आरम्भ होने जा रहा है 28 मार्च 2017 को आरम्भ होने जा रहा है। कलश स्थापना का क्या मुहूर्त है वो भी बता दूं आपको, उसको आप नोट कर लें क्योंकि उसी समय आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। 28 मार्च 2017 को सुबह 8:45 से लेकर के 10:35 के अंदर आपको कलश की स्थापना कर देनी है। और यह जो मैं आपको समय बता रहा हूँ यह समय दिल्ली के समय अनुसार है, दिल्ली को ध्यान में रख करके इस समय को ज्योतिष से निकाला गया है। लेकिन यदि आप दिल्ली के अतिरिक्त भारत के जिस हिस्से में रहते हैं दिल्ली से अपने स्थान के समय को अंतर को कम कर लें और उस अनुसार अपना समय घटा बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कलश स्थापना की। कलश स्थापना आप कैसे करें उसके पहले मैं आपको कुछ सामग्री बताता हूँ, उसको आप नोट कर लें क्योंकि कलश स्थापन में तमाम सामग्री की जरूरत आपको पड़ेगी। इसमें सबसे पहले आम के लकड़ी की एक चौकी, एक लाल रंग का कपड़ा, एक कलश चाहे वो मिट्टी का कलश हो या किसी धातु का कलश हो, एक छोटा सा लोटा चाहे वो मिट्टी का हो चाहे वो धातु का हो, धातु का हो बड़ी अच्छी बात है, धातु का ना हो तो मिट्टी का ही सही, लेकिन उसका इंतजाम आप पहले से कर लें। इसके साथ साथ थोड़ी सी सुपारी, पूजन सामग्री रोरी, अक्षत, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, माला, फूल, दूध, दही, ये तमाम चीज़ें पूजन की पंचोपचार सामग्री आप इकट्ठा कर लें। उसके पश्चात आपको कलश स्थापना कैसे करनी है वो बताता हूँ, उसे आप नोट कर लें। सर्वप्रथम आम की लकड़ी की जो आप चौकी ले आए हैं उसके ऊपर लाल कपड़ा बांध लें। लाल कपड़ा बांधने के पश्चात उसके ऊपर कलश में थोड़ा सा चावल भर लें, चावल वाला कलश उस चौकी पे रख दें। उसके रखने के साथ साथ उसमें एक नारियल बांधना है, नारियल उस कलश के में डालना है, इस तरह से डालना है कि जैसे वो सर के रूप में दिखाई देने लगे, और उसको लाल कपड़े से बांध देना है। लाल कपड़े से बांधने के पश्चात शिवलिंग की तरह वो दिखाई देने लगे, इस तरह से आपको उसकी रचना करनी है। लेकिन इसके पहले उस चौकी पे आप चाहे चावल से चाहे रोरी से ही हल्दी से अष्टदल कमल का संरचना कर लें, अष्टदल कमल बना लें, उसके ऊपर उस कलश को रख दें, उसे रक्षा से लपेट दें। इसके साथ साथ उस कलश पे चाहे चांदी का सिक्का रख दें, चाहे एक लोहे की चाकू या लोहे की कील ही सही उसके साथ भी आपको रखना है। इसके अतिरिक्त दो छोटी मिट्टी के पराई में या देली में थोड़ा थोड़ा चावल रख के उस पर एक सुपारी भैरव के लिए, एक सुपारी नवग्रह मंडल के सूर्य देवता के रूप में, तथा गाय के गोबर का गौरा यह भी आपको रखना है। इसके साथ साथ एक सूखा गरी का गोला नारियल ले लीजिए, उसको भी एक देली या पराई में चावल भर के रख करके रक्षा सूत्र लपेटना है, उसको जो है गणेश के रूप में पूजना है, गणेश के रूप में उसकी स्थापना करनी है। इसके अतिरिक्त दो दीपक की व्यवस्था करनी है, एक दीपक जो आपका प्रधान दीपक होगा, जिस दीपक को जलाने के पश्चात अपनी पूजा की प्रक्रिया आप आरंभ करेंगे, और एक दीपक इसलिए चाहिए कि जब आप पूजन में आरती के क्रम में आएंगे, दीप के क्रम में आएंगे, तो उस दीप को आपको जलाना पड़ेगा। अब आप ये तमाम सामग्री नोट कर चुके हैं, ये सामग्री की व्यवस्था कर लें, आगे हम आपको पूजा की विधि बताएंगे। जी तो पंडित जी ने आपको बताया है कि कैसे करनी है आपको कलश की स्थापना, क्या क्या सामग्री है जो आपको जुटानी है, तो कलश पूजन से पहले ये सामग्री आप जरूर अपने साथ रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कलश के पूजन की, कैसे कलश का पूजन किया जाए ये भी जान लेते हैं। पंडित जी कलश के पूजन की पूरी विधि क्या होगी वो विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं।
जी कलश स्थापन पूजन विधि में बताना आरंभ करूं, उसके पहले आपको बता दूं कि आप अपने बैठने के लिए एक ऊनी आसन की व्यवस्था कर लें, एक ऊनी कंबल की व्यवस्था कर लें। उसे आप इस तरह से बिछाएं कि आपका मुख पूर्व की तरफ हो और जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, जिस देवता की, मतलब कलश की, चौकी की, उसके ऊपर रखे हुए कलश की, उसका मुख पश्चिम तरफ हो, ऐसी व्यवस्था में आप बैठ जाएं। ऐसा बैठने के पश्चात सबसे पहले हाथ में जल लेकर के अपने ऊपर मार्जन करें और भगवान विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करें, क्योंकि यह स्मरेत पुंडरी काक्षः स वायवंतरः शुचि, मतलब जो अपने हृदय में पुंडरी काक्ष अर्थात भगवान विष्णु का ध्यान करता है वह अंदर और बाहर दोनों से शुद्ध हो जाता है। उसके पश्चात अपनी शिखा बांध लें, शिखा बांधने के पश्चात अपने माथे पर तिलक अवश्य लगा लें। यह क्रिया करने के बाद अपना हाथ धो लें, थोड़ा सा हाथ में जल लें, अपने आसन के नीचे माता पृथ्वी से आज्ञा लें, अनुमति लें, आप पूजन करने जा रहे हैं उनके आसन पर आप बैठे हुए हैं, ऐसा कहते हुए जल पृथ्वी पर गिरा दें। पवित्रम कुरु चासनम, पवित्र आपका आसन हो गया, अब उस आसन पर बैठ के आप पूजन करेंगे। पूजन शुरू करने से पहले आपको दीपक जलाना है, क्योंकि वही दीपक आपके इस पूरे कर्म का साक्षी होगा। धर्मराज है और धर्मराज ही जो है इस पूरे कर्मकांड का, जो आप क्रिया करने जा रहे हैं, उसका सम्यक भाव से साक्षी रहेगा। उस दीपक को आप जला लें। जलाने के पश्चात आप अपने बाएं तरफ, मतलब देवता के दाहिने तरफ, उस दीपक को रख दें। रखने के पश्चात आप अब अपनी पूजन प्रक्रिया आरंभ करिए। सबसे पहले पूजन में क्या होता है, संकल्प, संकल्प लेना है आपको। संकल्प में क्या करना है, थोड़ा सा अक्षत मतलब चावल, कुछ पैसा, हल्दी, रोरी, कुशा और दुर्वा, ये चीज़ें हाथ में रखने के पश्चात आप संकल्प बोलें। देखिए संकल्प बोलने का तो एक वैदिक तरीका है संस्कृत में, वह तो कठिन है, कोई योग्य विद्वान ही कह सकता है, लेकिन मैं अपने सभी दर्शकों को बताऊं कि घबराने की जरूरत नहीं है। आप मानसिक संकल्प ले सकते हैं, मानसिक मतलब जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वह ईश्वर के सामने मन से कह देवें, कहने के पश्चात उसे किसी पात्र में सामने अपने रख दें। अब यहाँ से पूजन की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो पूजन में सर्वप्रथम पूजा किसकी होती है, याद रखें सर्वप्रथम पूजा किसी भी पूजा में गणेश जी की होती है, तो यहाँ पे भी उसी तरह से सर्वप्रथम पूजा गणेश की होगी। आपने जो मिट्टी के परई में भगवान गणेश की स्थापना की है नारियल में, उसके ऊपर सर्वप्रथम आपको गणेश की स्थापना करनी है, गणेश जी का आवाहन करना है। कैसे करना है, आपको थोड़ा सा जल उनके ऊपर पुष्प से डालना है और प्रार्थना करनी है कि हे गणेश जी, मुझे न मंत्र आता है न तंत्र आता है, लेकिन मैं सम्यक भाव से बड़े श्रद्धा से आपको आवाहन करता हूँ कि आ करके मेरे इस पात्र में आके विराजमान होइए और मेरे ऊपर महती कृपा करिए, ऐसा कहते हुए थोड़ा सा अच्छा छोड़ लें। यही क्रिया आपको हर जगह करनी है। गौरी के रूप में जो गाय के गोबर का गौरी बनाया है, आपने जो सुपारी का नवग्रह मंडल बनाया है सूर्य देवता का, जो आपने उसी सुपारी का यज्ञ के रक्षक भैरव जी की स्थापना की है, उसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा अक्षत डाल करके उन देवताओं से प्रार्थना करनी है कि हे देवता आप आए यहाँ पे स्थान ग्रहण करें। इसके पश्चात बारी आती है जो आपने एक वरुण कलश बनाया है मिट्टी का, चौकी के सामने रखना है। उस चौकी के सामने रखे हुए कलश में भी आपको वरुण देवता का आवाहन करना है कि हे वरुण देवता, हे सप्त समुद्र, हे समस्त तीर्थों नदियों के पवित्र जल, सब लोग आकर के इसमें अपना स्थान ग्रहण करें। इसके पश्चात बारी आती है कलश पर रखे हुए प्रधान कलश की, जो कि आपने चौकी पे रखा हुआ है। यहाँ पे माता दुर्गा का आवाहन करना है, माता काली की आवाहन करना है, नवद दुर्गा का आवाहन इसी चौकी पे करना है। यह प्रधान पीठ है आपका, इसी पीठ की पूजा 9 दिन यथोचित आपको करनी है। तो इसके लिए एक मंत्र बता देता हूँ, वैसे मंत्र बहुत सारे हैं लेकिन एक विशेष मंत्र बता देता हूँ। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम् नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणताश्मताम्। यह मंत्र बोलते हुए माता दुर्गा से प्रार्थना करनी है कि हे माता दुर्गा, 9 दिन मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ, आपका यजन करना चाहता हूँ, आप आइए और मैंने यह जो कलश स्थापना कर रखी है इस मंडप में, इस चौकी पे रखे हुए इस कलश में समाहित हो जाइए और उनकी कृपा, उनकी छाया उस कलश पे अवश्य आएगी यदि आपकी भावना श्रद्धा से आप उन्हें पुकारते हैं। यह हो गई स्थापना। स्थापना के पश्चात पूजन कार्य आपको प्रारंभ करना है। पूजन आप जैसे डेली करते हैं अपने घर में, दैनिक पूजा करते हैं,
उसी तरह से पूजा करें, स्नान कराइए, रोरी चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, रक्षा चढ़ाइए, मीठा चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, पान फूल चढ़ाइए, माला फूल चढ़ाइए, अंत में धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और भगवान से अपने कल्याण की प्रार्थना करिए। अंत में ओम शक्राय नमः, एक जल अपने आसन के नीचे गिराइए, अपने मस्तक पर लगाइए अंगूठे से और कह के उठ जाइए। यह आपके कलश स्थापन पूजन की प्रक्रिया पूर्ण हुई। तो ये पंडित जी ने आपको बताया कि पहले दिन कैसे आपको कलश का पूजन करना है, कैसे स्थापना करनी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे माँ के पहले स्वरूप के बारे में। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका ग्रीन टीवी के नवरात्र विशेष में। और चलिए अब बात करते हैं माँ के पहले स्वरूप के बारे में। जानते हैं कि पहले दिन माँ भगवती के किस स्वरूप को पूजा जाता है। पंडित जी, नवरात्र के पहले दिन माँ के किस स्वरूप की पूजा की जाती है? देखिए स्मिता जी, ये जो नवरात्र के नौ दिन है, ये नौ देवियों को समर्पित है। जैसे कि प्रथमम शैलपुत्रीम च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम। मतलब प्रथमम शैलपुत्रीम च, प्रथम जो देवी हैं वो शैलपुत्री हैं। शैल, शैल का अर्थ होता है पर्वत, पहाड़, पत्थर। और पुत्री मतलब कन्या, पुत्री अर्थात जो गिरिराज हिमालय की पुत्री हैं, जो शैलपुत्री हैं, वो कौन है? वो माता पार्वती हैं, माता दुर्गा हैं। उन्हीं शैलपुत्री के लिए नवरात्र का प्रथम दिन समर्पित है, उन्हीं की पूजा उपासना प्रथम दिन की जाती है। शैलपुत्री का ध्यान करना चाहिए। माता पार्वती जिस तरह से बैल पे सवार हैं, वृषभ पे बैठती हैं, इन्हें वृषभ वाहिनी कहा जाता है, और आशीर्वाद की मुद्रा में अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। अब ये तो हो गई एक सूक्ष्म, जो आप भौतिक जगत में सीधे सीधे उपासना पूजा करते हैं उन भक्तों के लिए। लेकिन जब हम इसका साधना क्रम में देखते हैं, जब इनकी विशेष पूजा की बात आती है, तो ये बाह्य जगत की पूजा के अलावा हमारे अंतर जगत में, मतलब हमारे शरीर के अंदर भी इनका स्थान कहाँ है वह समझ लेना चाहिए। जब कोई योगी, कोई साधु जन जब माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं, तो माता शैलपुत्री का ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर करते हैं। मूलाधार चक्र की जो शक्ति है वो माता शैलपुत्री है। देखिए, नव चक्र हैं शरीर में और नव दुर्गा हैं, तो कहीं ना कहीं एक एक चक्रों पे या एक एक छिद्र पर शरीर के एक एक देवियों का आधिपत्य है, उनका स्थान है। तो नव दुर्गा की प्रथम देवी, और उन्हीं चक्रों को मजबूत करने के लिए पूरे नौ दिन उपासना भी की जाती है। तो नव दुर्गा में प्रथम देवी जो माता शैलपुत्री है, ये मूलाधार चक्र की स्थापित देवी है, और इनकी उपासना मूलाधार के जागरण के लिए करना चाहिए। तो योगी जन जो हैं, जो साधु हैं, जो विशेष पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो वाकई में देवी की सिद्धि चाहते हैं, इष्ट की सिद्धि चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, वो मूलाधार चक्र पे इन देवी का ध्यान करें। माँ जिस तरह से वृषभ पे बैठी हुई हैं, श्वेत रंग की दिखाई देती हैं, दिव्य आभा है, आशीर्वाद की मुद्रा है, इस तरह का ध्यान मूलाधार चक्र के जागरण के साथ साथ इन देवी का करें। निश्चित रूप से मूलाधार चक्र का जागरण होगा और व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये तो आपने बताया माँ शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में। जो सामान्य व्रती हैं, उनके लिए क्या पूजा विधि रहेगी, कैसे माँ शैलपुत्री की उन्हें पूजा करनी चाहिए, वो पूजन विधि भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जब शैलपुत्री की पूजा भी उसी तरह से करना है जिस तरह से आप दुर्गा की पूजा करते हैं, क्योंकि ये दुर्गा की ही स्वरूप मानी जाती हैं, दुर्गा की ही स्वरूप हैं। लेकिन हमारे ऐसे दर्शक जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है, अर्थात सूर्य की अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, सूर्य की दशा चल रही है, विशेष रूप से मैं उन दर्शकों से कहना चाहूँगा कि वो लोग इस नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री का पूजन विशेष रूप से करें। माता शैलपुत्री के मंत्र माम शैलपुत्रै नमः, यह मंत्र या केवल माँ शैलपुत्री या केवल शैलपुत्री कह करके उनको याद कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। और माता को स्मरण करते हुए इतना जरूर ध्यान रखना है कि माता आपको आशीर्वाद मुद्रा में आपके सामने खड़ी हैं और प्रत्यक्ष रूप से आपको आशीर्वाद दे रही हैं, इस तरह से ध्यान करना है। और पूजन, पूजन में आप जो है जिस तरह से समस्त देवी देवता का पूजन करते हैं, उसी क्रम में इनकी पूजा आपको करना है। एक चीज़ केवल ध्यान देना है, खास करके हमारी माताएँ बहनें जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है, जो कन्याएँ अच्छे योग्य वर की इच्छा रखती हैं, कामना रखती हैं, उन्हें सायंकाल के
समय मतलब नवरात्र प्रतिपदा के शाम 4 बजे के बाद से सूर्यास्त के बीच में माता शैलपुत्री को सुहाग की सामग्री मतलब एक अच्छी लाल रंग की साड़ी उसके साथ साथ कुछ प्रसादन सामग्री अवश्य समर्पित करनी चाहिए ताकि भविष्य काल में उन्हें एक अच्छा वर मिल सके, अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो सके। ये तो आपने बताया कि माँ की पूजा कैसे की जाए, कोई विशेष वस्त्रों का कोई रंग होगा कि जिन्हें पहनकर ही माँ की पूजा की जाए? देखिए सबसे विशेष 2 रंग हैं माता की पूजा के लिए, एक पीला और दूसरा लाल। 9 दिन के क्रम में जो महिलाएं माताएं बहनें हमारी पूजा करती हैं माता की, उन्हें सिर्फ लाल और पीत रंग के वस्त्र की साड़ी ही पहननी है, पीत रंग का ही वस्त्र पहनना है। और जो लोग भी पीला या लाल वस्त्र पहन के माता का पूजा करते हैं निश्चित रूप से माता भगवती दुर्गा जगदम्बा पराम्बा भगवती उनसे प्रसन्न होती हैं। माँ के पहले स्वरूप की पूजा आराधना से किस फल की प्राप्ति होती है? देखिए सभी 9 देवियाँ सब कुछ देने में समर्थ हैं, एक बात। दूसरी बात विशेष क्या दे सकती है, जैसा मैंने बताया कि सूर्य जिन जिन चीज़ों का मालिक है वो तमाम चीज़ें माता दुर्गा माता शैलपुत्री देने में सामर्थ्यवान है, वो चीज़ें दे सकती हैं। खास करके 2 चीज़ें, एक तो कन्याओं को उत्तम वर अगर चाहिए तो माता शैलपुत्री की पूजा करें। दूसरी चीज़ ऐसे लोग जिनका विल पावर कमज़ोर रहता है वो लोग इस शैलपुत्री का पूजा करते हैं तो विल पावर में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास की शक्ति बढ़ती है। तीसरी चीज़ जो लोग किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई हल नहीं मिल रहा है, माता शैलपुत्री की कृपा से उस समस्या का समाधान हो जाएगा। जी तो माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना से आपको इन 3 विशेष फलों की प्राप्ति होगी। अगर जो कन्याएं हैं जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होगी। आप कोई कठिन काम कर रहे हैं उसमें सफलता अगर आपको चाहिए तो माँ शैलपुत्री की आप आराधना करें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अगर आपकी आत्मशक्ति कमज़ोर है, आपको खुद पर विश्वास नहीं है, तो माँ की आराधना करने से आप खुद में अपना विश्वास जगा सकते हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि राशि अनुसार आप माँ के पहले स्वरूप को क्या समर्पित कर सकते हैं। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका ग्रीन टीवी के नवरात्र विशेष में। और चलिए अब बात करते हैं राशि अनुसार माँ को क्या समर्पित किया जाए। पंडित जी राशियों के मुताबिक माँ शैलपुत्री को क्या समर्पित कर सकते हैं लोग, वो भी बताएं। अपने दर्शकों से कहूँ वैसे तो समस्त प्रकार की पूजन सामग्री जो आपके पास उपलब्ध है उस सामग्री से भगवती दुर्गा माता शैलपुत्री की आप पूजन करें, लेकिन हर राशि वाले कुछ अलग रूप से विशेष पदार्थ माता दुर्गा को समर्पित करना है उसे बताता हूँ, उसे आप नोट कर लें। तो सबसे पहली राशि मेष राशि, मेष राशि के दर्शक माता शैलपुत्री को लाल रंग के फूल समर्पित करें। लाल रंग के फूल मतलब गुड़हल के फूल हो या लाल गुलाब के फूल आप माता को समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ भोग में माता को सेब अवश्य समर्पित करें। अब बारी आती है वृषभ राशि की, वृषभ राशि के लोग माता शैलपुत्री को चीनी का भोग लगाएं, इसके साथ साथ सफ़ेद रंग के फूल माता को समर्पित करें। अब बारी आती है मिथुन राशि के, मिथुन राशि के दर्शकों को बताऊं कि आप माता को हरे रंग की चूड़ियां व हरे रंग का वस्त्र अवश्य समर्पित करें। इसके साथ साथ माता को पेठे का भोग लगाएं, पेठे का भोग लगाने से निश्चित रूप से माता कुष्मांडा भी आपसे प्रसन्न होंगी, माता शैलपुत्री भी आपसे प्रसन्न होंगी। अब बारी आती है कर्क राशि की, कर्क राशि के लोग माता शैलपुत्री को भोग में खीर का भोग समर्पित करें। खीर में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट आप अवश्य डालें, उसका भोग नैवेद्य के रूप में माता को समर्पित करें। और इसके साथ साथ यदि संभव हो तो चांदी की कोई आभूषण माता को समर्पित आप प्रथम दिन कर सकते हैं। बारी आती है सिंह राशि के, सिंह राशि के लोग माता को कमल के फूल समर्पित करें। कमल जो कि लक्ष्मी को अति प्रिय है वो माता शैलपुत्री को भी चढ़ाने से आपको धन की यश की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ नैवेद्य में भोग में लाल रंग के गुलाब जामुन आप माता को समर्पित करें। अब बारी आती है छठवीं राशि मतलब कन्या राशि, कन्या राशि के लोग माता को अंजीर का भोग लगाएं, अंजीर की मिठाई लगाएं या अंजीर का फल भी आप माता को समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ साथ हरे रंग की गोटेदार चुनरी माता को चढ़ाना ना भूलें। ये 2 उपाय करें, निश्चित रूप से नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगी। अब बारी आती है तुला राशि की,
तुला राशि के लोग सफ़ेद रंग की मिठाई, चाहे बर्फी हो चाहे कोई और मीठा, लेकिन याद रखें रंग उसका सफ़ेद होना चाहिए। सफ़ेद रंग की मिठाई माता को समर्पित करें। इसके साथ साथ सफ़ेद रंग का फूल भी माता को आप चढ़ा सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं अपनी राशि अनुसार। अब बारी आती है आठवीं राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लोग माता को सेब समर्पित करें। सेब के साथ साथ लाल फूलों की माला या कमल गट्टे की माला भी आप माता को समर्पित कर सकते हैं। अब बारी आती है नवमी राशि धनु राशि। धनु अर्थात देवगुरु बृहस्पति की राशि। इन्हें विशेष रूप से शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ज्ञान की देवी के रूप में, यश की देवी के रूप में माता शैलपुत्री की स्थापना हुई थी। शैलपुत्री के पूजन में आप पीले रंग के फूल, गेंदे का फूल आता है, गेंदे के फूलों की माला बना लें, उसे आप माता को समर्पित करें। इसके साथ साथ आप पीले रंग का वस्त्र भी माता को चढ़ा सकते हैं। अब बारी आती है दसवीं राशि मकर राशि। मकर राशि के लोग माता को वैसे तो सामान्य ढंग से पूजन करें, लेकिन जब आप फूल चढ़ा रहे हों तो फूल के साथ साथ माता को बिल्व पत्र अवश्य समर्पित करें। मकर राशि के लोग इसे ध्यान से नोट कर लें, आपको बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाना है। बिल्व पत्र के साथ साथ माता को काले रंग की गुलाब जामुन का भोग लगाना है। अब बारी आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग वैसे तो सामान्य पूजा जैसे कर रहे हैं वैसे करिए, लेकिन जब आप स्नान करा रहे हो माता को तो थोड़ा सा गुलाब जल पानी में डाल लें, उस जल से आपको माता को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद माता को नीले रंग की चुनरी ओढ़ानी है और अपनी प्रार्थना माता से कहिए, निश्चित रूप से माता आपकी प्रार्थना पूर्ण करेंगी। अब बारी आती है मीन राशि, मतलब आखिरी राशि। मीन राशि के लोग माता को पीले रंग का फूल समर्पित करें, इसके साथ साथ सुनहरे रंग की चुनरी भी माता को समर्पित करें। निश्चित रूप से माता शैलपुत्री आप सभी लोगों का कल्याण करेंगी। तो 12 राशियों के मुताबिक आपको माँ शैलपुत्री को क्या समर्पित करना है पंडित जी ने आपको विस्तार से बता दिया है। उम्मीद है आप ये तमाम चीजें माँ को समर्पित कर उन्हें प्रसन्न कर पाएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी माँ के पहले स्वरूप से संबंधित। जी तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, फिर होंगे हाजिर अगले अध्याय में, माँ के दूसरे स्वरूप पर करेंगे चर्चा। लेकिन फिलहाल लेंगे आपसे इजाजत। जय माता दी। जय माता की।